अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जी व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ स्पेनिश नेशनैलिटी हासिल करने के लिए जो एग्ज़ाम हैं CCSAA 2020 के मुताबिक जो है न्यू क्वेश्चंस जो हैं वो आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। इसमें जस्ट 15 क्वेश्चंस मैं शेयर करूँगी, क्योंकि जो है वो काफ़ी लंबी हो जाती वीडियो अगर जो है वो मैं सारे करती तो। आप जो है, मैं हर वीडियो में जो है वो 15 क्वेश्चंस जो है वो शेयर करती रहूँगी, और 100% मैं आपको जो ये अश्योर करती हूँ कि जो है आप अगर ये क्वेश्चन प्रिपेयर कर लें तो आई होप इंशाल्लाह ताला आप जो है वो ज़रूर एग्जामिन जो है वो क्लियर कर लेंगे। तो नेक्स्ट जो है वो क्वेश्चंस पे जाने से पहले मैं आपसे कहूँगी कि आप मेरा चैनल जो है वो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो भी जो है वो मिल सके। और अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपनी दुआओं में याद रखिएगा। तो चलें बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है, La forma política del Estado español es la। आगे आपको 3 ऑप्शंस जो हैं एग्ज़ाम्स में ऐसे ही दी होंगी, जिसमें से आपने 1 जो है वो सिलेक्ट करनी होंगी। 3 ऑप्शंस हैं मोनार्किया पार्लियामेंटारिया, रिपब्लिका फेडरल, और थर्ड नंबर पे है मोनार्किया फेडरल। चूंकि यहाँ पे बादशाहत का निज़ाम है तो इसलिए हम इसमें से फर्स्ट वाली ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे, मोनार्किया पार्लियामेंटारिया। ये आप लोगों को जो है वो मेमोराइज़ करने पड़ेंगे, मोस्टली क्वेश्चन जो है वो सारे ही मेमोराइज़ करने वाले हैं, क्योंकि पॉलिटिक्स से रिलेटेड है और इसकी टर्म्स जो है वो काफ़ी टफ हैं। सेकेंड क्वेश्चन है इल एक्टुअल रई दे इस्पानिया, इस रई जो है इस्पानिया का जो है वो कौन है। 3 ऑप्शंस हैं, खुआन कार्लोस 1, फेर्नांडो 7, फेलिपे 6। तो इसमें जो ऑप्शन जो हमारे सेलेक्ट करेंगे थर्ड वाली है, फेलिपे 6। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, सेगून ला कॉन्स्टिट्यूशन हिस्पानियोला ला सोबेरानिया नेशनल रेसिडे इन। 3 ऑप्शंस, इल कांग्रेसो दे लॉस डिस्पुटाडोस, इल पोएब्लो हिस्पानियोल, इल गोबियरनो दिल एस्तादो। तो इसमें जो हमने सेलेक्ट करनी है, इल पोएब्लो एस्पानियोल ऑप्शन है। आपको ये मेमोराइज ये भी कर रहे हैं आप जो है। और इसके बाद जो है फोर्थ वाली ऑप्शन है कि ऑर्गेनिज्मो तीने कमोमिसियन प्रोमोसियोनार इंटरनेशनल मेंते लॉस एम्प्रेसास एस्पानियोलास तुरिस्पानिया आई से ए एक्स पैट्रिमोनियो नेशनल। तो इसमें से हम जो ऑप्शन सेलेक्ट करनी है वो है थर्ड वाली, पैट्रिमोनियो नेशनल। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 5, ला कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीसा ला लिबर्टीदाद रिलीजियोसा दे लास इंडिविजुअलोस ई लास कम्युनिदादेस पोर एसो इस्पानिया एस उन पाइस। कौन सा मुल्क है ये पाइस जो है वो ऐसा पाइस है जहाँ पे लोगों को जो है वो सहूलतें दी जाती हैं, मजहबी सहूलतें, तो वो है अकॉन्फेसियोनल। इसमें से अकॉन्फेसियोनल वाली सेलेक्ट करेंगे हम ऑप्शन, क्योंकि ये रिलीजन को जो है आज़ादी देता है हर रिलीजन को। क्वेश्चन नंबर 6 है, ला सेदे ऑफिसियल देल रई दे इस्पानिया एस, यानी जो है इसका जो ऑफिशियल सेदे कौन सी जगह है जहाँ पे जो है वो इस्पानिया का रई जो है वो होता है रहता है, वो है एल पलासियो दे ला सारसुएला, एल पलासियो रियाल, एल पलासियो दे ला मोंक्लोआ। तो इसमें जो है वो रियाल आपने याद रखना है वर्ड के, ये जो है बादशाहत से जो है वो रिलेट करता है, तो आपने इसकी ऑप्शन जो सिलेक्ट करनी है वो एल पलासियो रियाल है। इसके बाद जो है हम अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वल दे इस्तास फुएरसास दे सेगुरीदाद इस दे अम्बितो आटोनोमिको। आटोनोमिको जो हैं वो जो हैं सिटीज़ हैं आटोनोमा वाले, ये भी डिफरेंट एक कैटेगरी है, जो कि आपको ये भी जो है वो काफ़ी अगर समझाने बैठूँ तो काफ़ी लेट हो जाएगा, देर लगेगी जो है। तो हम ये ऑप्शंस देखते हैं, पुलिसिया लोकाल है या पुलिसिया फ्लोराल है या ग्वार्डिया सिविल है। तो इसमें से जो है हमें सेलेक्ट करनी है वो पुलिसिया फ्लोराल दे नबर्रा है। ये जो है आपको मेमोराइज़ करनी पड़ेगी, क्योंकि इनकी फिक्स टर्म्स हैं जो कि हमें मेमोराइज ही करनी पड़ेंगी। कॉल दे लासी गियंतेस फोर्सास इक्वेरपोस दे सेगुरिदाद इस दे अम्बितोस नेशनल। अब इसमें से भी देखें कि ये क्वेश्चंस भी ऐसे हैं कि कौन से जो हैं वो आर्मी यानी फौजें जो हैं वो कौन सी हैं जो नेशनल लेवल पे जो है वो करती हैं, आपको सेगुरिदाद प्रोवाइड करती हैं, आपको
जो है हिफाजत करती हैं। तो अब वो देखते हैं कौन सी हैं, ला पुलिसिया फ्लोराल, ला गुआर्दिया सिविल, ला मोजेस दे एस्क्वार्दा। अब देखिए नेशनल लेवल पे अलग से है, सिटी लेवल पे इनके अलग से, म्यूनसिपल लेवल पे इनके अलग से पुलिस होती है। तो अब जो नेशनल लेवल पे जो होती है उसको ग्वार्दिया सिविल कहते हैं। इसमें से हम ये वाली ऑप्शन करेंगे क्लिक। इसके बाद जो है हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 9 नंबर। इन ला कंस्टिट्यूसियोन से स्टैब्लिसे ला सेपरासियोन एंत्रे ला पोदेर इजेकुटिवो इल लेजिस्लेटिवो ई एल। अब कौन सी थर्ड वाली ऑप्शन है, इन सब में जो है ना कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना वो सेपरेट सेपरेट जो है वो पोदेर जो है वो करता है, स्टेबलेट करता है। तो देखते हैं इन तीन इसकी जो है वो कौन सी हमें ऑप्शंस आती हैं, पोलिटिको जुदिसी फॉर्मेटिवो। अब इन तीनों में से भी जो है वो आपको याद रखना पड़ेगा कि इसकी जो है जुडिशियल है, जुडिशियल यानी ये जो जजेस वगैरह का जो अदालतों का है वो वाली थर्ड ऑप्शन भी ये आपको मेमोराइज रखनी पड़ेगी। हमेशा याद रखें कि तीन में जो सेपरेट करता है, तीन में हमें जो है करना पड़ता है, थर्ड वाली जुडिशियल है। अगला क्वेश्चन है, दुरांते एल रेइनादो दे स्पानिया पासो अ फॉर्मर पार्टे दे ला यूनियन एरोपिया। इसमें जो है तीन ऑप्शंस है, फेलिपे सिक्स है, फेलिपे जो है टू है, खुआन कार्लोस वन है। तो ये भी जो है अब आपको रईस के जो है नाम इनके या जैसे याद करने पड़ेंगे आपको, ये भी नाम खुआन कार्लोस वन का याद करना पड़ेगा। क्वेश्चन को ऐसे स्पैनिश में मैं इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको स्पैनिश में याद रहे, स्पैनिश में ही मेमोराइज करें आप लोग, ऐसे ही ये क्वेश्चन आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इल ऑर्गेनिज्मो के गेस्टियोना लॉस इम्पोस्टो एस्टेब्ले से दे इस्पानिया इस, कौन सा इदारा ऐसा है जो कि इम्पोस्टोज यानी जिस पे जो जो है वो टैक्स हम जिसको पे करते हैं, जो ऑर्गेनाइज करता है टैक्स का। तो अब देखते हैं तीन ऑप्शन, कॉन्सेहो इल कॉन्सेहो इकोनॉमिको इ सोशियल इन इल इंस्टीट्यूटो नेशनल दे स्टैटिस्टिका ला एजेंसिया त्रिबुतारिया। तो ये तो मेरा हल सबको क्वेश्चन पड़ता है, पता ही होगा कि अखेंसिया त्रिबुतारिया होता है, असियंदा जिसको हम नॉर्मली बोलते हैं, कि असिंदा जो है ये सारा कुछ जो है इस्टेब्लिश करता है। इसके बाद है जी लास कॉम्पिटेंसियाज इन मटेरिया दे सानिदाद स्तन गस्तियोनादास पुर, यानी सानिदाद सेहत के से रिलेटेड जो है वह सानी दादा। आप एक टर्म को भी याद रख लेना कि ये लफ्ज़ सेहत से रिलेटेड है या ऐसे, तो फिर आपको ऑप्शंस जो है ना वो सिलेक्ट करना इजी रहेगी। इल एस्तादो, लॉस अजुंतामियंतोस, लॉस कम्युनिदादिस आटोनोमोस। तो अब तीनों में से देखें कि आप किससे रिलेट थोड़ा सा भी कर सकते हैं कि जो वो कौन सा इस्टेब्लिश करता है जी, कम्युनिदादिस आटोनोमोस जो हैं वो उनमें ये जो है ऑप्शन यही वाली इसकी सिलेक्ट की जाएगी। फिर है जी लास लेइज के रेगुलान लास डेरेचोस फंडामेंटलिस इला डेसारोयो दे लास लिबर्टादेस पब्लिका सोन लास लेइज, कौन से कवानीन हैं जो कि ये सारे जो है बुनियादी हकूक वगैरह और लोगों की आज़ादी के जो कवानीन रेगुलर करते हैं, किस बेस पर जो बनाए जाते हैं, कौन बनाता है, तो वो देखते हैं जी। और दी नारियाज ऑर्गेनिकास, और थर्ड वाला है दे इनजुइसा मेंते इनजुइक सी मैं तो सिविल। तो इनमें से भी आपको तीनों में से जो है वो जो ऑप्शन करनी है ऑर्गेनिकास पे हम सिलेक्ट करेंगे, ये भी जो है वो मेमोराइज करने वाला है क्वेश्चन, आप याद रखिएगा। आप इसी तरह से स्पानिश में ही क्वेश्चन जो है वो मेमोराइज कर लें। 14 क्वेश्चन है, इल त्रिबुता ट्रिब्यूनल कॉन्स्टिट्यूशनल इस दे लास पोदेरेस दिल एस्तादो। जो ट्रिब्यूनल यानी जो अदालती जो है कॉन्स्टिट्यूशनल पोदेरेस जो हैं वो सल्तनत की, वो कौन सी हैं, क्या होती हैं, किस तरह से हैं, इंडिपेंडियंटे होती हैं, डिपेंडियंटे होती हैं, या सब ऑर्डिनादो होती हैं। अब इसमें से आपको ऑटोमेटिकली आप पढ़ा कि इंडिपेंडियंटे ही होती हैं ये, कि यानी इंडिपेंडेंट होती हैं ये, कोई भी डिसीजंस जो हैं वो ले सकती हैं। इसके बाद हम आते हैं जी क्वेश्चन नंबर 15 पर, लास्ट क्वेश्चन की तरफ, एल खेफे दिल एस्तादो, यानी जो सल्तनत का जो हुकूमत का जो खेफे है यानी कंट्रोल, जैसे प्राइम मिनिस्टर होता है या प्रेसिडेंट होता है, तो स्पेन का जो है वो खेफे जो है वो कौन है जिसके इख्तियार में सारा कुछ है। तो इसकी ऑप्शंस हैं तीन, एल प्रेसिडेंटे डेल गोबियर्नो एल रई एल मिनिस्ट्रो दे लॉस असुंतोस एक्सटीरियोरेस। तो अब देखिए आपको जैसे पीछे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में भी पढ़ा कि यहाँ पे बादशाहत का निज़ाम है, तो ऑटोमेटिकली हम इसके रई की ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट करेंगे कि रई जो है वो सारा होल्ड करता है उसके पास। तो प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दें, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। अल्लाह।